मेरा नाम कृष्णा सिंह राठौड़ उदयपुर से। मैं प्रशासन से यही मांग कर रही हूँ कि जो दादा की जिस तरीके से मतलब ऐसे घर में घुस के और जिस तरीके से उन्होंने हत्या करी है, ऐसे अगर वो होते तो सामने आते, मतलब सुदन मजबूत इंसान होता तो ये ऐसे धोखे से हत्या करना राजपूतों की, और आज एक राजपूत को मारा, पहले आनंद पाल को मारा, उसे बीच में कन्हैया को मार डाला। प्रशासन कुछ नहीं करती और ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती है, सब अपनी अपनी रोटियां सेकती है, कुछ नहीं करती है। अगर इनको 24 घंटे का टाइम है, अगर 24 घंटे में कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो हम सब सत्राणे एक साथ तलवारें नग्गी तलवारें लेके निकलेंगे। और हमारे शस्त्र क्यों छीने इन्होंने प्रशासन ने? जब प्रशासन शस्त्र लेके खड़ी रहती है किसके लिए खड़ी रहती है? जहाँ आम जनता मर रही है, आज कल वो मरा, कल हम मरेंगे, कल हमारे पति मारे जाएंगे, कल किसी और बहन के पति मारे जाएंगे, उसके जिम्मेदार कौन होगा? हम यही मांग करते हैं कि दादा के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी उनको मतलब फांसी की सजा दे, और उनको बाद में दे जिन लोगों ने वो कांड करवाया, जो भी, मैं एक्स वाई जेड किसी का नाम नहीं लेती हूँ, और वो आदमी खुलेआम बोल रहा है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो उस आदमी को सबसे पहले फांसी की सजा हो। और जो कल निर्मम हत्या हुई है जयपुर में दादा हुकम की, सुखदेव सिंह जी गोगी मीणा की, वो बहुत निंदनीय है और हम सब में बहुत आक्रोश है राजपूत समाज में, और ये बहुत गलत हुआ है, और उनको है ना मतलब एक शेर को धोखे से मारा गया है, तो हम बहुत इस चीज से दुखी भी है, आक्रोशित भी हैं। तो हमको न्याय चाहिए, न्याय के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, कोई प्रदर्शन इस तरह का नहीं हो रहा है, हमको न्याय चाहिए, फालतू में इकट्ठे नहीं हुए हैं कोई यहाँ पे, और न्याय चाहिए बिल्कुल। और न्याय नहीं होगा तो फिर क्षत्रिय समाज एक होके दिखाएगा, पहले जैसा नहीं है, सब एक हो गए और एक होके दिखाएंगे, और उसका जो परिणाम होगा वो गवर्नमेंट भुगतेगी।